श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आज पुनः हम और गगन मिलकर एक वीडियो शूट करने जा रहे हैं। इस वीडियो का विषय है भगवान का भजन। हम इस समय जिस स्थान में हैं उसका नाम है सतना। संसार में सत क्या है? संसार सत नहीं है। इस शहर के नाम से ही स्मरण आता है कि सत तो केवल भगवान का भजन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, सत हरि भजन जगत सब सपना। और भी ऋषियों ने कहा है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। सत्य तो भगवान का नाम है, भगवान है। तो हमें संसार से ना जुड़कर भगवान से जुड़ना चाहिए। पर एक प्रश्न उठता है, सबके मन में होता होगा कि भजन कैसे किया जाए? अपने आप भजन किया जाए या किसी संत के कहने पर भजन किया जाए? तो इसका उत्तर ये है कि किसी संत के कहने पर जब हम भजन करते हैं तो जल्दी भगवत प्राप्ति होती है, जल्दी भगवत दर्शन होता है। एक बार की बात है, एक कथा है बड़ी प्यारी सी। तुलसीदास जी रहते थे काशी में। एक सेठ रोज कथा सुनने जाता था। एक दिन की बात, कथा सुनते सुनते देर हो गई और खूब पानी गिरने लगा। गंगा पार करके वो आता था और उस दिन इतना पानी गिर गया कि न तो नाव मिले न नाविक मिले। अब वो गंगा पार कैसे करे? तुलसीदास जी ने कहा, सेठ जी आज यहीं रुक जाओ। उसने कहा, नहीं महाराज, हमारा घर परिवार है, हमको तो अपने घर जाना ही होगा। तुलसीदास जी ने कहा, अच्छा तो सुनो, हम तुमको एक चिट दे देते हैं, उस चिट को तुम अपने पास रखना, गंगा पार हो जाओगे। तुलसीदास जी ने उस चिट में कुछ लिख कर दे दिया। वो सेठ गंगा जी में आया, गंगा जी को प्रणाम किया और गंगा जी में चलने लगा। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं गंगा जी में डूब नहीं रहा हूँ। जैसे लोग जमीन पर भूमि में चलते हैं, उसी तरह से वो सेठ गंगा जी में चलने लगा। उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर तुलसीदास जी ने इस चिट में क्या लिखा है। जब थोड़ी ही दूर रह गया उसका घर, अब गंगा पार ही होने वाला था, तो उसने सोचा कि क्यों ना खोल के मैं देख लेता हूँ कि इसमें लिखा क्या है। और जैसे उस पर्चे को खोला तो उसमें लिखा था सीताराम। उसने कहा, इतना साधारण नाम, अरे ये तो हम भी जानते हैं। जैसे इतना साधारण नाम कहा तो उसी समय डूब गए। डूबते डूबते अब लगा कि प्राण ही छूट जाएंगे, तो उसके मुंह से निकल आया कि तुलसी के राम बचाओ, हे तुलसी के राम बचाओ। जैसे इतनी बात कही कि वो फिर से ऊपर आ गए, गंगा पार हुआ। दूसरे दिन तुलसीदास जी के पास आया, सारी बात बताया। महाराज, आपने जो पर्चे पर भगवान का नाम लिख के दिया था, उससे तो हम गंगा पार हो गए। तुलसीदास जी ने कहा, वो साधारण नाम नहीं है, वो भगवान का नाम। गंगा पार तो साधारण बात है, भगवान का नाम जो लेता है वो भवसागर से पार हो जाता है। दूसरी बात, सेठ ने कहा, महाराज नाम तो हम भी लेते हैं और वही नाम आप भी लेते हैं, पर आपके नाम में चमत्कार क्या है? देखिए, जो नाम भगवान का हम लोग लेते हैं और जो नाम संत लोग लेते हैं, उसमें अंतर ये है कि संत लोग श्रद्धा विश्वास से भरकर भगवान का नाम लेते हैं और हम लोगों के जीवन में श्रद्धा विश्वास की कमी रहती है। इसलिए संतों के कहने पर यदि हम भजन करेंगे तो जल्दी से जल्दी हमें भगवत प्राप्ति होगी। आइए, आज के लिए यहीं तक। पुनः कल एक नया विषय और नया संत चरित्र लेकर हम प्रस्तुत होंगे। सादर जय सियाराम।